हरिओम, मैं नितिन देसाई गोरेगांव ईस्ट में रहता हूँ। कारोबार में मैं टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ और टेक्सटाइल फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग और धागा कलर करने का मेरा कारखाना कोल्हापुर में है। मैं बापू के पास 2000 साल से उनका भक्त हूँ। बापू के ऊपर जितना हमारा प्रेम है उससे कई गुना बापू का हमारे ऊपर प्रेम है। मैं मेरा एक अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 11/7/2006 गुरु पूर्णिमा का दिन था। बापू की कृपा से हर गुरु पूर्णिमा के दिन मुझे सेवा मिलती है, उसी तरह मुझे उस दिन सेवा मिली थी। कांदिवली में गुरु पूर्णिमा का ये सारा प्रोग्राम था और सवेरे ही मैं उठकर सेवा पे गया था। उदर्पण की सेवा मुझे मिली थी और जो मुझे उसके बारे में बताया गया था वो ऊद अग्नि में अर्पण करने में आपके पुराने हो गए हुए कुछ आपके आपसे हो गई हुई गलतियाँ उसको जलाना, आपके खराब विचारों को जलाना, मुझे ये सारे अनुभव के बाद समझ में आया कि बापू ने उस दिन ये सेवा मुझे क्यों दी थी और हमारे हाथों हो गए हुए कुछ खराब कर्म हो गए तो उसको उसी समय जला दिया गया था। सवेरे से मैं सेवा में था, बड़ा आनंद का दिन था, बड़ी मज़ा आ रही थी। मुझे एक लड़का 12वीं की एग्ज़ाम देके इंजीनियरिंग करूँगा इस उम्मीद से वो चल रहा है। दादर में किस क्लास में रेगुलरली इंजीनियरिंग के क्लासेस के लिए, ट्यूशन क्लासेस के लिए जाता था। उस दिन सवेरे से उसका क्लासेस में जाने का मन नहीं बन रहा था, लेकिन माँ ने उसे पढ़ाई होनी चाहिए इस कारण से थोड़ा ज़ोर ज़बरदस्ती करके क्लासेस में भेज दिया। करीबन 6:40 के आजू बाजू में मुझे मेरे वाइफ का फ़ोन आया और वो फ़ोन पे घबराई हुई थी, थोड़ी रो रही थी और बोल रही थी कि रेलवे में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और उसी ब्लास्ट में जिस डब्बे में ब्लास्ट हुआ है उसी में अपना लड़का था, उसे मार लगा है, उसके सर में से खून आ रहा है, पेट में से खून आ रहा है और मैं उसको लेने के लिए जा रही हूँ। मैं भी घबरा गया। मैंने उनको बोला कि आप ये हैंडल नहीं कर पाओगे तो एक बार के लिए आप घर में रहना, मैं कोशिश करता हूँ और मैं इस सिचुएशन को अपने आप संभालने की कोशिश करता हूँ। मैं तुरंत वहाँ जो पुलिस वैन थी उसके यहाँ पहुँच गया और उनसे इंक्वायरी कर लिया कि खार में ट्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है क्या। तो उन्होंने उससे भी डरावना जवाब दे दिया, एक ब्लास्ट नहीं है सर, 3 ब्लास्ट हो चुके हैं। और ये सुन रहा था उतने में ही वायरलेस का आवाज़ सुनाई दिया, 4th ब्लास्ट हो गया। अब तो मेरा डर और बढ़ गया।
मैं वापस जाके अपने जूते पहन के वापस जाऊँ, इसी इरादे में अंदर जा रहा था। उसी समय बापू स्टेज पे आए और उन्होंने बताया कि बॉम्ब ब्लास्ट हो चुका है, लेकिन मैं आप अपने सारे भक्तों को बोल देता हूँ कि आप कहीं भी यहाँ से जाने की कोशिश भी मत करो, यहाँ ही रहना। आपके सारे रिलेटिव्स को अच्छे हालत में रखना और उनको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, उसकी जवाबदारी मेरी। हमारा पूरा विश्वास बापू पे है। उन्होंने जो बोल दिया हमने उसको प्रमाण कर दिया। हम वहाँ पे ही रुक गए। बड़ी ताजुब की बात थी, उसी समय बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से सारे मोबाइल जामर पे डाल के एक दूसरे का कनेक्टिविटी बंद कर दिया गया था। बट मैं समझता हूँ कि मैंने तुरंत फ़ोन मेरे लड़के को किया और मेरा मोबाइल और उसका मोबाइल दोनों चालू और मेरी बातचीत मेरे लड़के के साथ हो पाई। मैंने मेरे लड़के को पूछ लिया, बेटा तुम कहाँ हो? वो बोल रहा है, पापा मुझे पता नहीं, मुझे लगता है कि मैं खार और सांताक्रूज के बीच में हूँ। तुम्हारी हालत कैसी है? बाबा मेरे सर में से खून आ रहा है, मेरे पेट में से खून आ रहा है, एक कान में मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। मैंने पूछा आगे आजू बाजू में कुछ दिख रहा है? बोला मेरे आजू बाजू के बहुत लोग मर गए हैं या बेहोश है, मैं उनको थोड़े से हिला के मैं ट्रेन के बाहर निकल आया हूँ। सामने क्या दिख रहा है? तो बाबा मुझे रोड रास्ता दिख रहा है। बेटा तुम वहाँ तक पहुँच पाओगे? कोशिश कर लेता हूँ। फिर फ़ोन बंद हुआ। मैं 5 मिनट के बाद मैं वापस फ़ोन करता हूँ, मेरा फ़ोन लग रहा है। लड़के को पूछा तो वो रोड तक पहुँच गया था। मैंने उसको पूछा कहीं रिक्शा मिल पाएगी? बोला पापा रिक्शा सामने है। रिक्शा में वो बैठ गया। मैं उनको बताया कि रिक्शा वाले को दे दो। रिक्शा वाले को पूछा इनको कुछ मार लगा है? बोला इनको बहुत मार लगा है, खून बहुत निकल रहा है। फिर मैंने उनको उनका मेरा घर का पता बता दिया, गोरेगांव का। बापू की कृपा से उनको पता भी पता था, मालूम था। मैं उस रिक्शा वाले को बोला कि हो सकता है ये गोरेगांव पहुँचने तक ये लड़का बेहोश हो जाए, तुम इनको पहुँचा दोगे? उन्होंने बोला वो जिम्मेदारी मेरी। उसके बाद में जो लोगों को सांता क्रूज खार से गोरेगांव पहुँचने के लिए 4.5 से 5 घंटा लग रहा था, ये रिक्शा 20 से 22 मिनट में हमारे घर पे थी। कैसे, क्या, ये लोगों के लिए ताजुब की बात है, मेरे लिए कोई ताजुब की बात नहीं। हम समझते हैं कि बापू ने ये सारा काम हमारे लिए कर दिया। मैंने घर पे इंस्ट्रक्शन दे के रखा था कि लड़के को कोई पूछताछ किए बगैर डॉक्टर के पास ले जाना। डॉक्टर के पास ले गए, जो लोखंड के टुकड़े छोटे छोटे जो बॉम्ब में होते हैं उसमें से 2-4 डॉक्टर ने निकाल लिए, बाकी फर्स्ट एड का काम कर दिया। कान का पर्दा फटा था तो वहाँ पे लगा दिया। और मुझे जब घर से फ़ोन आ गया कि अभी लड़के को हमने घर पे लाया है, उस समय मैं बापू को नमस्कार करके वहाँ से निकल गया। मुझे पहुँचने में 4.5 घंटा ज़रूर लगा, कांदिवली से गोरेगांव पहुँचने। जाने के बाद मुझे डर तो ज़रूर लगी क्योंकि मार लगा था वो बहुत ज़्यादा था। और तब मुझे याद आया कि बापू ने बोला था कि सबके जितने भी रिलेटिव है उनको घर पहुँचाने की जिम्मेदारी मेरी, और बापू ने हमारी जिम्मेदारी पूरी कर दी।
हरिओम श्री राम अम्बद्यम।